हेलो फ्रेंड, फेमस टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियो के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि बरार मेंशन में चल रहा है ग्रैंड फंक्शन, तो वहीं पार्टी में शामिल होने आई मिसेस मेहता ने बताया साहिबा को बरार परिवार का 30 साल पुराना राज, जिसे सुनकर साहिबा के उड़े होश और पैरों तले खिसकी जमीन। जी हाँ दोस्तों, अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जहां गुरलीन की दोस्त यानी कि मिसेस मेहता साहिबा को पूछती हुई नजर आती हैं कि तुमने अपनी लाइफ में किया ही क्या है, कौन सा तुमने अपनी लाइफ में अचीवमेंट ली है या कौन सा तीर मार लिया है जो खुद को एक आर्टिस्ट बताती फिरती हो हर जगह हर कहीं। तो वहीं मिसेस मेहता की बात सुनकर साहिबा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ मिसेस मेहता रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो साहिबा से बोलते हुए नजर आती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लेना, फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि इस परिवार में ये कोई नई बात नहीं हुई है, ये सालों पुरानी बात है जो आज तक चलती आई है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में मिसेस मेहता करने वाली है साहिबा के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा, जहां वो साहिबा से कहेंगी कि तुम्हारी सास मनवीर जो है वो भी पहले कभी एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट हुआ करती थी, उसमें भी कुछ अलग ही बात थी, वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और हम सब उसके आर्ट के फैन थे, लेकिन ये तब की बात है जब उसकी शादी नहीं हुई थी, पर जब उसकी इस बरार परिवार में शादी हुई उसने खुद को यहाँ पर कैद कर लिया, बाहर आना जाना ही छोड़ दिया। दारजी और उनके रूल्स ने उसके सपनों को इस कदर कुचल के रख दिया कि वो अपना सारा का सारा टैलेंट ही भूल गई। मनवीर को प्रेशराइज किया गया बच्चा पैदा करने के लिए, ताकि वो अपना सारा का सारा ध्यान बच्चे को पालने में और संभालने में लगा दे। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में मिसेस मेहता साहिबा के सामने खोल के रख देने वाली हैं बरार परिवार का काला सच और 30 साल पुराना राज। तो वहीं दोस्तों, शो के आगे आने वाली कहानी बेहद ही दिलचस्प होने वाली है, जहां साहिबा के सामने ये सच्चाई आने वाली है कि कैसे 30 साल पहले मनवीर के अंदर के आर्टिस्ट को कैसे दबा दिया था, कुचल दिया था अपनी झूठी शानो शौकत के नाम पर। अब देखना होगा कि अब क्या फैसला लेगी साहिबा खुद के लिए। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।